दार्जिलिंग से करीब 50 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन है रोंगटोंग। आज के नए और आधुनिक रेलवे स्टेशन से बहुत अलग, ना सैकड़ों पैसेंजर्स की आवागमन का शोर, ना आते जाते गाड़ियों का शोर, बिल्कुल अकेला और शांत सा रेलवे स्टेशन है ये, जहां मैं इंतजार कर रहा हूं एक स्पेशल ट्रेन का। और यहां से मैं लोअर हिमालयाज के घने जंगलों के बीच गुजरने वाला हूं, और ट्रेन का नाम भी कुछ ऐसा ही है, जंगल टी सफारी। फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो आ चुकी है, और आपने देखा सिर्फ एक कोच जो है वो लगा हुआ था, और इसी कोच में बैठ करके हम आगे अपनी यात्रा जो है वो पूरी करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक और चीज़ है, अभी करीब 3:10 का वक्त हुआ है, और करीब 10 से 15 मिनट बाद हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से डिपार्चर लेगी। और आपको पता हो तो इस तरफ यानी कि भारत के इस कोने में ना शाम जल्दी होती है, सूरज थोड़ा जल्दी ढल जाता है और सुबह जल्दी होती है, तो करीब 4:30-5 तक जो है वो हल्का सा अंधेरा जो है वो छा जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि जब हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर लेगी तो काफ़ी एम्पल ऑफ टाइम रहेगा हमारे पास, और डे लाइट में ही हम जो जंगल का पूरा व्यू है ना वो देख पाएंगे। दूर से देखो तो आपको लगेगा सचमुच का कोई जो टाइगर है वो यहाँ बैठा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। चलिए फिलहाल अब ऑनबोर्ड होते हैं। ये हमारा वो विस्टाडोम कोच जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, जंगल टी सफारी जो है वो करने वाले हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर जो इसका है वो कैसा है। तो इंटीरियर जो है वो कुछ ऐसा है, और ऊपर पूरा आप देखो तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, विंडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें ट्रैवल करने में। और जंगल टी सफारी है, जो चाय है ना वो आपको सर्व हो जाती है टेबल पे, तो चाय का लुत्फ लेते हुए आप इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हो, आप इस जंगल टी सफारी को एंजॉय कर सकते हो। तो फाइनली डिपार्चर जो है अपना हो चुका है यहाँ से रोंगटोंग से, और बिल्कुल जंगल टी सफारी के लिए हम तैयार। उस ट्रेन में लगा है एक विस्टाडोम कोच, जहां से आपको ऐसा फील होगा कि आप एक ओपन कोच में यात्रा कर रहे हैं, और ज्यादातर ट्रेन रोड साइड से ही गुजरती है, और कई बार गाड़ियों को ट्रेन के लिए रुकना पड़ता है। बात करें फेयर की तो दोनों तरफ यानी कि सिलीगुड़ी से रोंगटोंग और रोंगटोंग से सिलीगुड़ी का जो फेयर है वो आपको करीब 1200 रुपये देना होता है। 1200 रुपये में आपको करीब 3 घंटे की जर्नी जो है वो मिल जाती है इस ट्रेन में। ये एक फन राइड है जहां आप अपने दोस्त फैमिली के साथ कोई भी स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट कर सकते हैं, और वो भी इस खूबसूरत रेल मार्ग पे। वैसे एक चीज़ तो है कि इस ट्रेन में सफ़र करने का एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये ट्रेन कई बार रोड के किनारे से निकलती है और कई बार बिल्कुल घने जंगलों के बीच चली जाती है, और ठंडी हवाओं के बीच पॉल्यूशन से दूर एक शांत सा रेल सफ़र जो है वो आपको मिलता है। ये ट्रेन शुरू होती है सिलीगुड़ी से 1:30 पे, और करीब 3 बजे ये ट्रेन रोंगटोंग रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, और रिटर्न में ये ट्रेन वापस से रोंगटोंग से करीब 3:10 पे निकलती है, और शाम को 5 बजे सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंच जाती है। ट्रेन रोड से गुजरती है ना, सारा ट्रैफिक जो है वो रुक जाता है, और जंगल में सफ़र करने के बाद अब हम वापस से लेन पे पहुंच गए हैं, और मार्केट जो है वो शुरू हो गया है सुपना का। तो बस सफ़र जो है अपना यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, इतना ही सफ़र था हमारा ये। और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं सुपना रेलवे स्टेशन, और यहाँ से बिल्कुल प्लेन एरिया जो है वो शुरू हो जाता है, और ये है सुपना का रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी पुराना है, और आप देखो तो यहाँ पे जो घंटी है ना वो मिल जाती है। मंदिर में नहीं, स्टेशन पे घंटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा।
आखिरकार जो हमारा सफ़र था वो बस ख़त्म होने को आ गया है और पहाड़ों से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं हम। और एक और चीज़ है कि फ़िलहाल अभी जो है ना वो करीब 4:20 का वक्त हो चुका है और आपको तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शाम के 6:30 बज चुके हैं, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ 4:30 हुए हैं और यहाँ पर जल्दी ही शाम हो जाती है। तो बस सफ़र जो अपना ख़त्म होने वाला है, बस कुछ ही देर में हम सिलीगुड़ी जो है वो पहुँचने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत ही फन राइड थी, आराम से बैठ के हमने जंगल जो है वो इन्जॉय किया, बैठे बैठे चाय पी और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी यादगार जो है वो ट्रिप रही हमारी ये। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी सिलीगुड़ी का अराइवल जो है वो आपको दिखाते हैं और फिर आपसे अलविदा लेते हैं इस वीडियो से। बाकी आप लोग ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। और जैसे ही हम सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचने वाले थे, हमें रास्ते में पुराने जमाने का सिग्नलिंग सिस्टम देखने को मिला, जहां पे रिंग जो है वो एक्सचेंज होता है। वाकई ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है और ट्रेन के हिसाब से प्लेटफॉर्म की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे मैं किसी डबल डेकर ट्रेन के लोअर डेक में बैठ के यात्रा कर रहा हूँ। तो इस छोटे से रेल सफ़र में बस इतना ही, करीब 1.5 घंटे की ये जर्नी सच में बहुत ही खूबसूरत थी। और अगर आप कभी भी दार्जिलिंग की तरफ आते हैं तो इस रेल मार्ग पे ज़रूर से यात्रा करिएगा। और इसके साथ ही साथ DHR यानी कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज इसके साथ और भी ट्रेन चलाती है, जैसे कि रेड पांडा और ऐसे ही छोटी मोटी जंगल सफारी वाली ट्रेन जो है वो चलती हैं, जिसका आनंद एक बार ज़रूर से आपको लेना चाहिए। तो आखिरकार इस खूबसूरत जर्नी का जो एंड है वो सिलीगुड़ी में हो जाता है और यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो ख़त्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।